झुंझुनू में मेघवाल समाज चेतना संस्थान जिलाध्यक्ष सुरेश चित्तोसा और राजस्थान नर्सिंग कॉलेज गुडाकोर्जी बूथ अधिकारियों ने बताया कि झुंझुनू जिले में 8 बूथों पर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक मतदान हुए, जिसमें 3 अंबेडकर भवन अंबेडकर छात्रावास झुंझुनू, रविदास मंदिर खेतड़ी, पंचायत समिति सभागार नवलगढ़, पंचायत समिति सभागार चिड़ावा और राजस्थान नर्सिंग कॉलेज गुडाकोर्जी में शांतिपूर्ण मतदान हुए। जिलाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि प्रदेश अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष के चुनाव हैं, जिसमें राजस्थान पुलिस क्राइम एडीजी रवि प्रकाश मेहरड़ा, प्रदेश अध्यक्ष बनवारी लाल बैरवा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणपत लाल वर्मा, महासचिव और दयानंद सकरवाल कोषाध्यक्ष के चुनाव लड़ रहे हैं, जिस कारण पूरे प्रदेश में ही उत्साह से वोट डाले जा रहे हैं। मतदान दल में ओमराव चिरानी, लेक्चरार जयप्रकाश मेहरिया, धर्मपाल भागोतिया, सुमेर गुरावरिया आदि थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के राजस्थान के चुनाव हो रहे हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सदस्य संख्या वाली सोसाइटी है, इसके 70,000 से ऊपर राजस्थान में मेंबर हैं और उसके राजस्थान के अध्यक्ष के, उपाध्यक्ष के, कोषाध्यक्ष के और महामंत्री के 4 के चुनाव हो रहे हैं। ये चुनाव पूरे राजस्थान में हो रहे हैं, झुंझुनू जिले में भी चुनाव हो रहे हैं, जिसके बूथ झुंझुनू, गुड्डा, नवलगढ़, मंडावा, खेतड़ी और चिड़ाव में हैं और सब जगह से वोटिंग हो रही है। अच्छी वोटिंग हो रही है, बड़ी संख्या में मतदाता हैं वो भाग ले रहे हैं और इससे राजस्थान प्रदेश का अध्यक्ष के लिए रवि मेहरड़ा जी चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरे भागपा जी चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी उनकी टीम है और दोनों का बीच मुकाबला है और मतदान खूब तीव्र गति से हो रहा है। कुल कितने मतदाता हैं यहाँ इस बूथ पर? इस बूथ पर 605 इस बूथ पर मतदाता हैं। कितने वोट डल चुके हैं? 250 से ऊपर। अच्छा जी, आप भी अपने ओर से बताओ। मैं थोड़ी बताऊँ, वोट जो हटे नहीं है। मतदान शांतिपूर्वक हो रहा है और लोगों में उत्साह है और सब लोग सही हो रहे हैं कि हम मतदान। ये वोट डालने का और ये सोसाइटी बनाने का आगे उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति के अधिकारों के लिए जागरूकता पैदा करना, यदि कोई अधिकारों का हनन होता तो ये संस्था राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे इस प्रकार के मामले उठाती है। पहले से ही बनी हुई है? पहले से बने हुई है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये संस्था 1980 से जयपुर के जालाना डूंगरी में हेडक्वार्टर है। लगभग 80,000 के समथिंग मतदाता हैं, झुंझुनू जिले से 7,400 मतदाता हैं। ये मतदान होने के बाद में फिर आगे के लिए क्या रणनीति बनाओगे? हम जो भी परिणाम आएंगे और जो अध्यक्ष बनेंगे राजस्थान के, उनसे हम ये मांग करेंगे कि प्रत्येक जिला वाइज भी पुनः चुनाव चालू करें, पहले से बंद थे। ये मतदान जो हो रहे हैं, ये इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य समाज की एकता को आगे लाना है। पूरे राजस्थान में मालूम चले कि ऐसी समाज की एकता दमकता है और इसका एक बड़ी आदमी जो उनके अध्यक्ष के रूप में आगे जाए तो समाज के लिए बहुत कुछ कर पाएगा, समाज को एकजुट कर पाएगा और समाज के वेलफेयर के लिए वो अपना प्रयास करेगा, यही उद्देश्य। दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ रहे हैं, संविधान की पालना नहीं हो रही है, इसके लिए आगे क्या रणनीति बनाना चाहते हैं? देखिए, कोई भी समाज सोसाइटी है उसकी ताकत उसकी यूनिटी होती है और आज ये डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के जो चुनाव हो रहे हैं राजस्थान भर में, तो एक संगठन जो है वो एक सशक्त रूप में आने वाला है और इसके अध्यक्ष हैं और उसका जो पूरा पैनल जो है वो अपने आप में मजबूती महसूस करेगा और जो ये सोसाइटी जो है ये अपने आप को मजबूती देगी, समाज पूरा इसके साथ रहेगा और जब समाज के अंदर यूनिटी होती है, वो सशक्त होता है, तभी
किसी कोई भी गलत कार्य होता तो उसको रोकने के अंदर मदद मिलती है और अपने उद्देश्य में वो सफल हो पाता है। हेड ऑफिस कहाँ है? जयपुर है। तो वहाँ जो अब जोन कर जाएंगे उनका क्या क्या काम रहेगा, अलग अलग बताओ सबको। सुनकर समाज को जो है वो नई दिशा देने का है। समाज के ऊपर कोई अत्याचार वगैरह होंगे तो उनके लिए वो पूरी टीम जो है वो अपने आप को सरकार से संबंध में बना करके और कार्य करेगी। जी का बजट? हाँ बताओ। आगे जो रणनीति बनाना चाहते हैं, अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार के विरुद्ध में लड़ना है, गरीब तबकों के ऊपर अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, इसके लिए आगे न्याय दिलाने के लिए बजट कहाँ से आएगा? समाज का जो संगठन है वो समाज से ही होगा, राज्य सरकार के द्वारा जो समाज कल्याण की योजनाएं चलती हैं उनसे और राजकोष से मिलेगा।